हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर कंजंक्शन सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 द कंजंक्शन रीड एंड अंडरस्टैंड पढ़ते हैं और समझते हैं फर्स्ट जय एंड दीपक आर ब्रदर्स सेकंड देव इज पेंटिंग बट दीपक इज रीडिंग थर्ड विथ इज इन बेड As he is sick. Fourth, Ayan did well in her test because he worked hard. Fifth, if Avi has worked hard, he would not have failed. Sixth, Neetu missed the train, yet she was on time. इन द अब सेंटेंसेस ऑल द वर्ड्स इन कलर आर कंजंक्शंस ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं कलर्ड में वो सब क्या हैं कंजंक्शंस कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए जय और दीपक दो लोगों को किसने ज्वाइन किया है एंड ने ऐसे ही देव इज पेंटिंग दीपक इज रीडिंग यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं को किस वर्ड ने ज्वाइन किया है कंजंक्शन ने तो वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज़ंक्शंस दस वी कैन से अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर कंजंक्शन वो वर्ड है जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है यूज ऑफ सम कंजंक्शन कुछ कंजंक्शन का यूज हम देखते हैं यूज ऑफ एंड एंड का यूज ही विल गो टू द बाजार ही विल प्रिंग स्वीट ये दो सेंटें अब कैसे हम इन्हें एंड से जोइन uh, करते हैं ही निधि कैन स्पीक जर्मन शी कैन नॉट राइट तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे निधि कैन स्पीक जर्मन बट कैन नॉट राइट नेक्स्ट यूज ऑफ और एल्स अदरवाइज एंड लाइफ देखते हैं आप कैसे हम एल्स का यूज करते हैं वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ या तो मेहनत करो वर्ण तुम सफल नहीं हो पाओगे वर्क हार्ड एल्स यू नॉट सक्सीड इन लाइफ वर्क हार्ड अदरवाइज यूट सक्सीड इन लाइफ अनलेस यू वर्क आउट सक्सीड इन लाइफ यहाँ पर तो तीनों वर्कआउट के बाद जोड़े हैं हमने बट अनस को हमने पहले लिखा है मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो गए यूज ऑफ सो देस आई हैव एग्जाम्स आई कैन नॉट इंजॉय आई हैव एग्जाम्स सो आई कैन नॉट इन्जॉय मतलब मेरे एग्जाम्स हैं इसलिए मैं इन्जॉय नहीं कर सकता ऐसे ही आई हैव एग्जाम्स दे आर फोर आई कैन नॉट इन्जॉय आई कैन नॉट इन्जॉय बिकॉज आई हैव एग्जाम्स मेरे मैं इन्जॉय नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं एस आई हैव एग्जाम्स आई कैन नॉट इन्जॉय क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता तो ये इनका जो सो दे आर फोर बिकॉज एज इनका जो यूज होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है सिंस आई आई हैव एग्जाम्स कैन नॉट एंजॉय मतलब जब तक मेरे एग्जाम्स हैं तब तक मैं एंजॉय नहीं कर सकता यूज ऑफ दो ऑल दो एंड स्टिल दो ऑल दो और स्टिल का यूज ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट विन द रेस

रीराइट देंटेंसेसिंग बिकॉज एंड बट और दो sentences given है। आपको given conjunctions का यूज करके इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करके दोबारा से लिखना है फर्स्ट आप देखिए यू मस्ट राइट फास्ट यू विल नॉट फिनिश द पेपर तुम्हें जल्दी लिखना चाहिए तुम्हारा पेपर फिनिश नहीं होगा तो यू मस्ट राइट फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट फिनिश द पेपर तो फर्स्ट तो ऑलरेडी हुआ हुआ है अब यहां पर हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं सेकेंड सेंटेंस देखते हैं निधि इज अ गर्ल अवी इज अ बॉय तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे निधि इज अ गर्ल बट अवी इज अ Boy. Now next sentence. Ayan is studying. Vidhi is watching cartoons. तो यहाँ पर भी buti आएगा. इसका आंसर हम लिखते हैं. Ayan is studying and Vidhi is

रेग्यूलरली और या तो एक्सरसाइज रेगुलरली करो नहीं तो और यू विल नॉट कीपिट इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे नाउ बी एक्सरसाइज अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंसेस नीचे सेंटेंसेस गिवन है इसमें जो भी कंजंक्शन है उसको आपको अंडरलाइन करना है First, तो यहां पर क्या है? माइजर येट नेक्स्ट आई एम वीक बट आई कैन एम लेट आई कैन फिनिश तो इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे फिल इन द्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन आपको इसमें कंजंक्शन फिल करना है He tried, dash he did not succeed. He tried but उसने कोशिश की लेकिन he did not succeed. Second, छवि will stay, छवि रुकेगी but अवी विल नॉट लेकिन अवी नहीं थर्ड यू विल बी लेट तुम लेट हो जाओगे अनलेस यू हरी जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे हमारा चैप्टर नंबर ट्वेल्व यहाँ फिनिश हो गया है ओपनली स्टूडेंट्स आपको कंजंक्शन समझ आएंगे अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ थैंक यू एंड हैव नाइस डे